जी हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं परविंदर कौर द फैक्टाई में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ है कुछ यूथ। एक यूथ से मैं आज बात करना चाहूंगी और उनसे जानना चाहूंगी डेरा सच्चा सौदा के बारे में कि आज भी क्यों लोग डेरा सच्चा सौदा में आते हैं, ऐसा क्या उनको मिलता है डेरा सच्चा सौदा में कि आज भी लगातार वो डेरा सच्चा सौदा में आते हैं। जी आपका नाम? गौरव। गौरव जी आप कहाँ से आए? सिरसा का रहने वाला। अगर अंधविश्वास देखा जाए तो लोगों के लिए जो डेरा सच्चा सौदा सिरसा से जुड़े हैं और जो बाहर के लोग भी इस चीज को देख रहे हैं कि जो डेरा सच्चा सौदा जो पूजा गुरु जी हैं, जद्दी ऋषि हैं, उनके द्वारा 134 मानव का भलाई के कार्य है जो उनके फॉलोअर्स कर रहे हैं और बाहर के लोग उनको भी आगे फॉलोअर्स करते हैं, वो कभी अंधविश्वास नहीं कहते। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग कहते हैं अंतर दिमाग आते हैं, पर यहाँ पे मैं दावा ठोक के कह सकता हूँ कि यहाँ पे 85 से 90% हाई श्लोक पढ़े लिखे आते हैं। कोई जज है, कोई वकील है, कोई किस पोस्ट पे, कुछ क्या अधिकारी है, हाई लेवल के स्टडी और फॉरन से भी लोग इस देर सच्चा सौदा के अंदर चलते आते हैं। 85 से 90% ऐसे हाई स्टडी वाले ही आते हैं। सर क्यों आपने बताया कि बाहर के लोग भी आते हैं, फॉरन से भी लोग आते हैं, ऐसा क्या बाबा उनको देखते हैं कि लोग क्यों भागे दौड़े चले आते हैं डेरा सच्चा? बाबा उनको क्या देते हैं? उनको देते हैं शिक्षा, नेक रास्ते पे चलने के लिए बताते हैं। 134 मानव का भलाई के कार्य हैं वो कोई गलत नहीं है। 134 मानव का भलाई के कार्य हैं वो गुरु जी के द्वारा वो बताए गए हैं कि जिससे अगले वाले इंसान का भला हो। कोई रस्ते पे एक्सीडेंट हो गया उसको उठा के हेल्प करनी, सेवा करनी उसकी, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, उसकी जान बचानी, किसी का घर नहीं है उसको घर बना के देना, तो भाई आपदा आई, बाढ़ें आती हैं, उसके अंदर जाके अपना घर परिवार छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के वो उस दरिया के अंदर कूद जाते हैं कि उनकी जान बचाने के लिए। और जो बाहर के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं कि ये आदमी क्या कर रहा है और इसके पीछे किसका हाथ है, उसके पीछे हाथ किसका होता है, उसके पीछे डेरा सच्चा सौदा सिरसा के संत गुरमीत राम सिंह का हाथ होता है, और वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं, गूगल्स के द्वारा सर्च करते हैं और फिर वो चल के देखते हैं कि ये वाकई सच है या कि दिखावा है। अगर उनको दिखता कि सच है तो आगे भी प्रचार करते हैं। जैसे अभी पीछे 2017 में के बाद अपने नवंबर में या दिसंबर में, मेरे को मंथ याद नहीं, उस यूएन की संस्था ने संत गुरमीत राम सिंह जी इंसा और उनकी बेटी हनीप्रीत को दोनों को अवार्ड के लिए बुलाया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने 134 मानव का भलाई के कार्य कर रहे हैं, उनको देखते हुए स्वच्छता के लिए उनको अवार्ड देने के लिए वहाँ पर बुलाया हुआ था फॉरन के अंदर। तो बताओ कि फॉरन की संस्था इंडियंस को क्यों बुलाएगी? वहाँ का फॉरन में क्या लोग नहीं है? पर वो देखते हैं कि कौन आदमी कैसा किस लेवल में और क्या आज के अच्छाई के कार्य कर रहा है।